नाज़रीन प्राइम कैनेडा टीवी के शो कभी कुछ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं छोटी खबरें और मेरा नाम है बेकार और मैं हूँ बकवास। ये किसी बकवास है, कुछ तो खुदा का खौफ करे। अच्छा नाज़रीन, आज हम झूठी खबरों को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। हमारे प्रोग्राम को झूठी खबरें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लिखी नहीं जाती, सफ़े बिल्कुल खाली हैं, और इसकी वजह ये है झूठ कभी भी लिखा नहीं जाता, हमेशा बोला जाता है। तो लीजिए नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपनी ताज़ा झूठ पे मबनी हेडलाइंस की तरफ। झूठी हेडलाइन नंबर एक, नाज़रीन इस वक्त मुंह में 32 तार बज रहे हैं और आप ये खबरनामा अपने दोनों कानों से सुन रहे हैं। इस वक्त ये खबरनामा ढोल बजने पे शुरू हो जाएगा और तालियां बजने तक जारी रहेगा। झूठी हेडलाइन नंबर दो, मुल्क के कई इलाकों में लोगों ने गुर्बत से तंग आकर अमीर होने लगे हैं। हेडलाइन नंबर तीन, तमाम दिन सरकारी दफातर में रिश्वत और चाय जोरों से चलती रही और रिश्वत ना लेने पर कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया, लेकिन दो अफराद उल्टा लटकने से बच गए। हेडलाइन नंबर चार, आज मुल्क भर में मौसम सर्द रहा और शदीद गरज चमक के साथ बारिश हुई, लेकिन आज बादल कुछ बड़े अजीब तरीके से गरजे। और आखिरी हेडलाइन नंबर पांच, कनाडा में पहली दफा किसी स्टोर पे चुन्नू मुन्नू पापड़ देखे गए, बच्चों में खुशी की लहर। नाज़रीन, ये थी झूठी खबरों की हेडलाइन, अब चलेंगे झूठी खबरों की तफसीलात की तरफ। कनाडा के कई इलाकों के लोग गुर्बत से तंग आकर अमीर होने लगे। अचानक अमीर होने का राज हमने पता लगा लिया। लोगों ने चोरियां, डकैतियां, लूटमार, छीना झपटी शुरू कर दी, जिस वजह से कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। अब चलते हैं खबर नंबर दो की तफसील के लिए बकवास की तरफ। जी, आज तमाम दिन सरकारी दफातर में रिश्वत और चाय जोरों शोर से चलती रही। जराए के मुताबिक चाय दूध पत्ती इस्तेमाल की गई। रिश्वत के लिए कड़क कड़क और नए नए नोट इस्तेमाल किए गए। रिश्वत ना लेने पर कई अहलकारों को उल्टा भी लटकाया गया, लेकिन दो अहलकार उल्टा लटकने से बच गए। जब हमने मालूम किया कि वो दो अहलकार कैसे बच गए, तो पता चला कि उन दो अहलकारों ने धोती पहनी हुई थी। खबर नंबर तीन की तफसीलात ये है नाज़रीन के, कनाडा में पहली बार किसी दुकान में चुन्नू मुन्नू पापड़ आ गए। नाज़रीन, बच्चों में खुशी की लहर छा गई। खबरों की मजीद तफसीलात और झूठी तफसीलात बताएंगी हमारी बकवास, तो लिए चलते हम आपको उस दुकान पर। जी बकवास, क्या झूठी तफसीलात है आपके पास, हमें जरा बता दीजिए और हमारे नाज़रीन को सुनवा दीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो माजरत, हमारे पास इस वक्त माइक मौजूद नहीं है, तो हमारी उंगलियां भी किसी से कम नहीं है, तो हमने सोचा कि हम उंगली का सहारा ले लें। इतनी शदीद सर्दी और ठंड में मैं चुन्नू मुन्नू पापड़ लेने के लिए निकली हूँ। कनाडा में पहली दफा किसी दुकान में चुन्नू मुन्नू पापड़ देखे गए। चुन्नू मुन्नू पापड़ निहायत खस्ता और चटपटे हैं, जिसकी वजह से बहुत मजे के लगते हैं, जो कि मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थैला भर के ले लूँ, क्योंकि चुन्नू मुन्नू पापड़ बचपन में मैं पाकिस्तान में बहुत खाती थी। जब से कनाडा आई हूँ, कनाडा में मुझे चुन्नू मुन्नू पापड़ कहीं दिखाई नहीं दिए थे, तो पहली दफा कनाडा की किसी दुकान पर
चुन्नू मुन्नू पापड़ आ गए हैं। तो इससे पहले कि ये छोटे छोटे बच्चे सारे चुन्नू मुन्नू पापड़ खा लें, तो मैं भी जल्दी से जाती हूँ और चुन्नू मुन्नू पापड़ थैला भर के लाती हूँ। चलते हैं मजीद खबरों की तफसीलात की तरफ। आज मुल्क भर में मौसम बहुत सर्द रहा और सर्द रहने के साथ साथ शदीद गरज चमक के साथ बारिश भी हुई, कहीं तेज और कहीं बहुत ज्यादा तेज। हल्की की कोई उम्मीद नहीं थी। शदीद तरीन तेज बारिश हुई और शदीद तरीन बिजली भी चमकी और बादल भी खूब से खूब से खूब गरजे। बादलों की गरज कुछ अजीब और गरीब थी। तो खबरों की मजीद तफसीलात बताएंगे बेकार, हम चलते हैं उनकी तरफ और वो बताएंगे कि बादलों की अजीब और गरीब डिटेल क्या है। जी बेकार, आप बताएंगे कि बादलों की गरज चमक कैसी थी? बस बकवास, आप मुझे गिने चुने वक्त का टाइम दीजिए। मैं स्टूडियो छोड़ के नंगे पांव उस जगह पर भागता हूँ ताकि आप नाज़रीन को बता सके कि वहाँ क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हमारा क्रू कम होने की वजह से, मेंबर्स ऑफ स्टाफ कम होने की वजह से हर काम हमें खुद करना पड़ता है। तो मैं अपनी जूती लगा के उस मुकाम तक जा रहा हूँ, तुसी साडे नाल रहियो। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करता जाऊँ कि माइक ना होने की वजह से मुझे उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेहरबानी फरमा के एक लानत का इजाफा कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी छोटी खबर की तफसीलात की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, आज मुल्क में बड़ी गरज चमक के साथ बारिशें होती रही और इस गरज चमक में हमें कुछ आवाज़ें सुनने को मिली। घबराइएगा मत, वो आवाज़ें बड़ी रोमांटिक, बड़ी प्यार वाली थी। तो वो आवाज़ कुछ ऐसी थी नाज़रीन के जी नाज़रीन, माज़रत, बल्कि मैंने आपको खत्म कर दिया। जी बकवास नाज़रीन, ये थी आज की बहुत झूठी खबरें। उम्मीद है नाज़रीन आपको एक एक झूठी खबर का यकीन नहीं आया होगा। तो नाज़रीन, आप लोगों से बड़ी दरख्वास्त है कि हम दोनों को एक एक लानत से रुखसत किया जाए। मैं था आपका न्यूज होस्ट बेकार और मैं थी बकवास। तो लीजिए नाज़रीन, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।